आज बनेगा गाड़ी में देसी चिकन, चिकन हांडी बनेगा, मछली फ्राई होगा भाई, पूरा धुआं धुआं हो गया यहाँ पे। ये देखो काफी देर से भट्टी जलाने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन जल नहीं रहा है। ये चिकन हांडी, ये है भाई अपना चिकन लेग पीस। अब भाई काफी गर्म है, छू भी नहीं पा रहे। स्वागत करते हैं आप सबका एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। भाई बहुत दिनों से पार्टी वगैरह नहीं किया है, मतलब भाई सावन हो चुका है खत्म और बहुत दिनों बाद न्यू व्लॉग का स्टार्टिंग हो रहा है। क्योंकि भी आप लोगों को पता है हम चले गए थे गांव, तो अभी आए हैं बाबा जी को लेने के लिए और पोषण को लेने के लिए। तो बाबा जी पहले से गाड़ी में बैठ चुके हैं। महादेव और सब बढ़िया बाबा? चलिए तो फिलहाल भाई चिकन वाले आज बनेगा गाड़ी में देसी चिकन, क्योंकि पोषण का फेवरेट, पोषण को भी खाना था। चल रहा है ना भाई? चिकन कटिंग करवा लिया, अब निकलना है हम लोगों को हांडी वगैरह लेना है। हांडी पिछले बार का हम लोगों ने खरीदा हुआ था, तो उस समय भाई सावन चल रहा था तो हम लोगों ने पार्टी अपना कैंसिल कर दिया था, तो हांडी पहले का रखा हुआ है। लीजिए बाबा। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे बाईपास रोड के तरफ, एक दुर्गा माता का मंदिर है, उससे थोड़ा सा पहले ही वहाँ पे सबको ही ग्रुप में खाना पीना बना के खाते हैं, तो हम लोग भी अपना ग्रुप लेके चल रहे हैं। तीन आदमी है, पोषण कैमरामैन बना हुआ है। हम लोग रामनगर पहुंच चुके हैं, पोषण अभी खरीद रहा है अदरक प्याज लहसुन। जल्दी ले लो भाई, जल्दी ले लो, जाम लग रहा है। अभी जो सामान हम लोग खरीद रहे हैं ना, वो सब सामान आने वाले समय में गाड़ी में अवेलेबल रहेगा, क्योंकि पोषण जब साथ में रहेगा तो हम लोग गैस चूल्हा खरीद के रखेंगे और खुद गाड़ी में खाना बना के खाएंगे। तो फिलहाल भैया अदरक लहसुन का पेस्ट दे दीजिए और एक मीट मसाला दे दीजिए, ठीक है? इधर है पोषण, मार्केटिंग करने आए हम लोग। तो थाली भी ले लिया और तेल दे दीजिए, छोटा वाला एक तेल दे दिए, छोटा वाला सरसों का तेल। पूरा भाई मार्केटिंग हो रहा है हम लोगों का। हम लोग अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग खाना बनेगा, देख सकते हैं यहाँ पे भट्टी पहले से बना हुआ है। ये देखिए ये भट्टी बना हुआ है, इसको पूरा साफ सफाई करेंगे, उसके बाद फिर अभी जा रहे हैं हांडी खरीदने के लिए, गौरी खरीदने के लिए, लकड़ी खरीदने के लिए, पीने के लिए पानी खरीदना है, मतलब सोच रहे हर एक चीज़ खरीदना है। लेकिन आने वाले समय में ना ये सब चीज़ें हम लोग पहले से खरीद के रखे रहेंगे और जब भी हम लोग को बनाना होगा गाड़ी में खाना तो हम लोग को खरीदना नहीं पड़ेगा, इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो भाई फिलहाल हम लोग गौरी खरीद रहे हैं, 2 रुपए पीस। देखो गौरी का साइज देखो, आपके यहाँ पे गौरा कितने का मिलता है? हमारे वाराणसी में 2 रुपए पीस है। तो हांडी भी खरीद लिया, देख सकते हैं ये वाला 50 रुपए का हांडी है और ढक्कन भी साथ में फ्री। अभी चापाकल जा रहे हैं हम लोग अपना चिकन साफ करने के लिए, हांडी में ही चिकन को धोना है, इधर चापाकल है, दिक्कत नहीं होगा। तो इधर भाई पोषण इसमें अभी नमक हल्दी मसाला सब मिला रहा है और इधर अपने मछली, भाई हम लोग बंगाली हैं तो मछली तो हम लोग को चाहिए होगा खाने के लिए, तो मछली भी ले लिया है, चिकन भी ले लिया। ये भाई प्योर देसी चिकन 1 kg है और ये भाई 1/2 kg प्यासी मछली। ये देखिए तुम क्या बनाने जा रहे हो चिकन का? चिकन हांडी बनेगा, मछली फ्राई होगा। अच्छा चिकन हांडी और मछली फ्राई, ठीक है? तो चिकन हांडी तुमको तो बनाना आता ही है भाई, हमसे बढ़िया खाना पोषण बनाता है। क्योंकि ना कहाँ पे काम करते थे पहले? हलवाई का काम, हलवाई का काम करते थे ना, तो जो ये सेफ था ना तो उसका ये चेला है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा पार्टी गर्म है वो पोषण काम कर चुका है, तो इसीलिए जो भी मसाला गर्म देना है पोषण को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो इधर भाई हम लोग का सलाद का आइटम भी आ चुका है, तो ये हमारा सलाद का आइटम, ठीक है? अभी प्याज अंदर है, प्याज लहसुन है सब अंदर है। पोषण यहाँ पे भट्टी तैयार कर रहा है, ये देखिए एकदम देसी जुगाड़ से हम लोग खाना बनाने वाले हैं आज। और क्या कह लगे दोस्त? और इधर अपना काशी एक्सप्रेस जो कि पूरा साफ सफाई है, भाई गांव गए थे, गांव जाने के पहले पूरा मैंने साफ सफाई कंप्लीट कर लिया था ताकि भाई यहाँ पे आने के बाद साफ सफाई ना करना पड़े। ये देखो अब कहीं का भी बुकिंग मिलेगा तो निकल चलेंगे, मतलब साफ नहीं करना है गाड़ी को। चूल्हा बन के हो चुका रेडी हम लोगों का, बस इसमें आग लगाना बाकी है क्या? सब्सक्राइबर भाई भी आ गए यहाँ पे, कैसे हैं भाई लोग? बढ़िया। ये देखिए इधर भी भाई लोग हैं और इधर कुछ बच्चे लोग हैं जो कि खेल रहे थे। यहीं से है क्या आप लोग? कि आप लोग गाड़ी है क्या ये वाला? अच्छा अच्छा, तो भाई लोग का गाड़ी देख सकते हैं पीछे खड़ा है वहाँ पे, वो देखिए दिख रहा होगा। बस हम लोग अभी भट्टी जलाने जा रहे हैं, ये जल रहा है भट्टी, भट्टी में अभी आग लग रहा है। पहले हम लोग मछली फ्राई करेंगे खाने के लिए, उसके बाद फिर चिकन हांडी जब बन जाएगा, जब पोषण बना देगा, उसके बाद चावल भी बनाने के लिए सोच रहे हैं। चावल बनाने के बाद में मस्त हम लोग बैठ के
भाई ये चीज देख के काफी हमें बुरा लग रहा है कि जब पार्टी करने आते हो ना भाई, खाने के बाद में इस तरीके से हांडी अगर आप फेंक के मत जाओ, साफ सफाई करके कहीं साइड में रख के जाओ, क्योंकि जो बनाने आते हैं दूसरा कोई ना, उसको काफी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। काफी देर से भट्टी जलाने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन जल नहीं रहा है, चलिए देखते हैं। बाबा जी जला पाए कि नहीं भट्टी आप? यस, जल रही है भट्टी अभी। तो काफी दिनों बाद हांडी चिकन बनाने जा रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है, कोशिश करेंगे कि अच्छा बने। अभी इसके बाद जब बनाएंगे ना, इतना परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग खुद अपना गैस चूल्हा सब कुछ लेके आएंगे साथ में। भाई पूरा धुआं धुआं हो गया यहाँ पे, ये देखो खतरनाक सीन हो चुका है। काफी देर से भट्टी जलाने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन जल नहीं रहा है, बाबा जी बहुत परेशान है। अभी दो बच्चे देख सकते हैं पार्टी करने आए हैं अपना घर परिवार छोड़ के, ये देखिए कहाँ गए हो अब वो। हाँ क्या यहाँ पे क्या करने आए, पार्टी करने? अच्छा अच्छा, ये देखो भाई क्या पी रहे हो, जीरा? ये देखो जीरा और कुड़कुड़े क्या? तो चूल्हा जल चुका है, थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, मछली पहले फ्राई होगा ना। हाँ अगर गैस चूल्हा रहता तो कितना बढ़िया होता है, अगली बार से हम लोग गैस चूल्हा पे ही बनाया जाएगा, ठीक है। एक चीज आप लोग और दिखाते हैं, यहाँ पे ना काफी सारे अपने भाई का गाड़ी खड़ा है, तो एक्चुअली लोकल चला के भी आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। मतलब देखो भाई ऐसा नहीं कि हमेशा आप लॉन्ग टूर पे ही चलो तो ही पैसा बचेगा, ये सब जितना गाड़ी है ना, ये सब मिर्जापुर का गाड़ी है, ये सब लोकल चलने वाली गाड़ी है, और डेली का 1 से 1.5 हज़ार रुपये कमाते हैं, ठीक है। लोकल यहाँ से माल लेके जाते हैं आते हैं, हर चक्कर में लोगों को 15 से 2 हज़ार रुपये मिलता है। दिन भर अगर चला देंगे ना ये सब गाड़ी को, मतलब 3 चक्कर भी अगर मार देते हैं आप, आ रहे भैया, अगर दिन भर में 3 चक्कर या 2 चक्कर मार दें तेल का काट के, तब भी 2000 रुपये आराम से बचत छोड़ देगा। तो ये सब गाड़ी जितना सब लोकल चलता है, ये नहीं कि सब्जी में चलोगे या फिर लॉन्ग चलोगे तभी पैसा बचेगा, ऐसा नहीं मेरे भाई। लोकल चल के अगर आपका पकड़ अच्छा है, डेली का 1-2 चक्कर मार के भी आप घर पर रह के भी अच्छा खासा पैसा कमाओ। भाई चिकन अपना बन के रेडी हो चुका है, अभी हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बाटी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि खाली चिकन तो मज़ा आएगा नहीं, हम लोग खाली चिकन ही खाने वाले थे, फिर बाद में सोचा कि बाटी भी बनाएंगे। तो पोषण यहाँ बाटी रेडी कर दिया है और अपना यहाँ पे गोहरी रेडी है। ये देखो एकदम लाल है भाई, ये देखो ना। तो काफी दिनों बाद हम लोग आज लिट्टी चोखा बना रहे हैं। लिट्टी चोखा में लिट्टी चिकन। इसीलिए पोषण का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? देख सकते हैं धीरे धीरे लाल हो रहा है। इधर हम लोग का चिकन हांडी बन के हो चुका रेडी, एक बार आपको दिखा देते हैं, ये देखिए धुआं भी निकल रहा है, देखिए ये चिकन हांडी। हम लोग सोच रहे हैं ना कि हम लोग खाने के बाद यहाँ पे नहा ले, क्योंकि यहाँ पे देखो गंगा जी मतलब नहीं है लेकिन यहाँ पे है पोखरा। गंगा घाट तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन पोखरा है, पोखरा में काफ़ी लोग अभी नहा भी रहे हैं। लेकिन अभी 1 महीना बाद ना यहाँ मेला लगता है, मेला में ना इतना ज़्यादा भीड़ होता है ना, पूरा वहाँ से लेके पूरा इधर जितना भी एरिया देख रहे हैं पूरा यहाँ पे भीड़ रहता है, और काफ़ी लोग आते हैं अपने बनारसी भाई लोग आते हैं यहाँ पे पार्टी करने के लिए, जैसे लिट्टी चोखा दाल बाटी बहुत कुछ यहाँ पे बनाते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं अपने लाइफ को, क्योंकि साल में एक ही बार यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है, पूरा 1 महीना होता है, ठीक है। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। अभी बाटी को ढकने का टाइम आ चुका है, अभी पोषण इसको ऊपर से पूरा गोहरी अगर लगा कर ढक रहा है ताकि अच्छे से एक बार पक जाए। इधर का भी ढक दो भाई। तो भाई हम लोग फिलहाल खाने का तैयारी कर चुके हैं, हम लोग का सलाद कट चुका है, प्याज खत्म हो गया है, इसमें है भाई टमाटर, और सलाद में है भाई हम लोगों का खीरा और मिर्चा, इसमें चाट मसाला भी छिड़क लिया हम लोगों ने, और थाली भी लग चुका है, 5 थाली भाई लगाया है, टोटल 4 थाली है और एक में सलाद है, 1 थाली भाई लोग को देना है, बगल में लोग भाई हेल्प कर रहा है, भाई लोग बोला खाने के लिए भाई मिलेगा, हम बोले भाई जरूर मिलेगा, क्योंकि भाई साहब देखो अकेले खाने में मज़ा नहीं है, खाना है बांट के खाओ, ठीक है, उसमें कुछ अलग ही मज़ा आता है। तो पोषण अभी लिट्टी निकालने के लिए गया, चिकन लेने के लिए गया है। हम लोग का बाटी भी तैयार हो चुका है, देख सकते हैं एकदम मस्त तैयार हुआ है बाटी, अभी बाबा जी बाटी को साफ करेंगे। इकट्ठे डाल दो ना तुम, कोई दिक्कत नहीं, इकट्ठे डाल दो पूरा बाटी, इकट्ठे डाल दो अच्छा निकाल लो, चलो आज अभी लिट्टी को साफ कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो फाइनली भाई हम लोग का खाना लग चुका है यहाँ पे, और देख सकते हैं ये है भाई अपना चिकन लेग पीस, और भाई गाय काफी गर्म है, छू भी नहीं पा रहे हैं, और बाबा जी सबको परोस रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को, इधर ये कैमरा बना है, वही हम बोलने जा रहे थे, पोषण बोल दिया, तो इधर हम लोग खा रहे हैं बाटी और चिकन।
बाबा जी कैसा बना है? बहुत अच्छा। तो हम लोगों का हो चुका है खाना पीना, अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर, मतलब बाबा जी जाएंगे अपने घर, पोषण जाएगा अपने घर, और आपका बीडीएम भाई जाएगा अपने घर। तो फिलहाल देखते हैं कहाँ तक छोड़ पाते हैं, लंका या फिर और कहीं। तुम लोग घर जाओगे ना आप लोग? हाँ, हम लोग घर। बहुत लोग बोलता है कि पोषण यार गुटखा बहुत ज़्यादा खाता है, तो एक चीज़ आप लोग को बता दें, पोषण एक्चुअली गुटखा नहीं खाता है, पोषण खाता है पान। तो देखो भाई, बहुत लोगों का एक लत होता है ना पान खाने का, तो ये एक्चुअली मीठा पान दिन भर अपने मुँह में घुसा के रखता है। इसको मना भी किए कि भाई पान ज़्यादा मत खाया करो, ये बोलता है भाई पान नहीं खाते हैं तो यार बहुत अच्छा नहीं लगता है, कैसा मुंह लगता है कि कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। तो पोषण कौन सा पान खाते हो? मीठा। तो मतलब उसमें क्या गुलकंद वाला खाते हो क्या? नहीं नहीं, ऐसे नॉर्मली मीठा पान। अच्छा अच्छा, नारियल गरीब। अच्छा नारियल गरीबी। अच्छा अच्छा, तो ऐसा ही टाइप का पान एक बार हमने भी खाया था, पिकअप वाले भाई ने बना के दिया था जब हम दीघा चले थे, तो मतलब टेस्टी है। चलो पान तक ठीक है, इसका मतलब नहीं गुटखा उटका खाओ, ये सब चीज़ें भाई हम हमेशा हेट करते हैं, ये सब चीज़ें तो नहीं खाना चाहिए इंसान को। देखो भाई, कैंसर जैसा बड़ा बीमारी से आप झेल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, मतलब धूम्रपान से निषेध रहना चाहिए एकदम। तो एक भाई मिले हैं जो कि डेली वीडियो देखते हैं, कैसे हैं भैया? बढ़िया। चलिए, क्या नाम है आपका? हर सिंह। अच्छा, चलिए यहीं रहते हैं क्या, बनारस में? चलो भाई, बहुत बढ़िया लगा मिलकर। तो पोषण को और बाबा जी को घर पे छोड़ दिया है, और राजा भाई हमारे आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, तो मुलाकात तो होता ही है, क्योंकि भाई वो जब भी वाराणसी से गुजरते हैं, मतलब जाते टाइम मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि मिर्चा उनके गाड़ी में लोड था, मुंबई से भाई ने लोड किया था और उनको जाना था बांग्लादेश, तो गाड़ी खाली करके भाई आ रहा है वाराणसी से, होके ही गुजरेंगे आगे। तो भाई से बात हुआ है, बोला कि भाई टोल पे मिलते हैं फिर। हम बोले चलो भाई शाम को मिलेंगे, तो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में भाई के साथ का ब्लॉग पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है हम लोगों का। तो फिलहाल अभी तो हम घर निकल रहे हैं, पहले पहुंच के छोटे वाले भाई के दुकान पे एक नारियल पानी पीना है यार, बहुत प्यास लगा है। पहुंच चुके अपने दुकान पे, गाड़ी को पीछे लगा दिया, हमारी मम्मी जी यहाँ पे, ये देखो काफी दिनों बाद दुकान की मलकिन यहाँ पे बैठी हुई है, और देखो गोदाम में पूरा माल अपना भरा हुआ है यहाँ पे, और इधर अपना दुकान, और छोटा वाला भाई अपने लिए माल छाट रहा है। अच्छा माल लेके निकालो ब्रो, ठीक है, जिसमें एक लीटर पानी हो। एक लीटर नल लगा देंगे अंदर ना ये भाई अपना नारियल पानी